तो दोस्तों अनुपमा यादव काराकाट लोकसभा क्षेत्र के जनसंपर्क कार्यक्रम में जा रही थी। कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी के आगे आकर उन गाड़ी को रोका गया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। तो जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश श्रीवास्तव ऑफिशियल में। क्या है पूरा मामला हम बताते हैं आपको विस्तार से, और कौन है अनुपमा यादव हम उनको भी उनके बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों अनुपमा यादव एक सिंगर है, स्टेज स्टार है और पावर स्टार पवन सिंह के साथ कई गाने कर चुकी हैं। अभी हाल में उन्होंने काकैलू ये जान, आरा बलिया छपरा जैसे सुपरहिट सॉन्ग दिए हैं। तो दोस्तों वो काराकाट लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कार्यक्रम कर रही हैं। लगातार काराकाट लोकसभा क्षेत्र के हर एक गांव में वो जा रही हैं, और कल वो जा रही थी एक जनसंपर्क कार्यक्रम में, उन्हें कुछ लोगों द्वारा उन्हें रोका गया, हूटिंग की गई और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं और ये जो भी लोग कर रहे हैं ये इंडस्ट्री के ही लोग हैं। उन्होंने इसके बाद एक इंटरव्यू में बात करते हुए यह भी कहा कि हमें मैसेज आ रहा है कि उल्टे सीधे लोग मैसेज कर रहे हैं, अभद्र मैसेज कर रहे हैं। हम उनसे यह कहना चाहते हैं कि आपके घर में भी बहन बेटी है और आप अपनी बहन बेटी को ऐसा बोल रहे हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह की तबीयत खराब होने के बाद अनुपमा यादव लगातार काराकाट लोकसभा क्षेत्र के हर एक गांव गली मोहल्ले क्षेत्र में वो लगातार प्रचार कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और इसके बीच में यह जो चीजें हुई हैं उनके साथ उन्होंने साझा किया। उन्होंने कहा कि मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ, मैं यादव समाज से आती हूँ और यादव समाज भी हमारे साथ है, और ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ तत्व हैं ये ऐसे हैं कि जो लोग हैं वो मैं जानती हूँ, समय आने पर उनका खुलासा किया जाएगा और वो इंडस्ट्री के ही लोग हैं, लेकिन अगर पानी सर से ऊपर जाएगा तो मैं कार्यवाही भी करूंगी। दोस्तों मीडिया से जब वो बात करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि एक बड़ी अच्छी लाइन बोली कि सांप डसे तो दोस्त बचाए और दोस्त डसे तो कौन बचाए, अपने से तो गैर ही अच्छे, घर का बेदी लंका डाहे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि कोई अपना ही हो सकता है, क्योंकि दूसरे को कैसे पता होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं किससे मिल रही हूँ। और उन्होंने आगे कहा कि मैं पावर स्टार के साथ थी हूँ और मरते दम तक रहूंगी, और मैं डरने वाली नहीं हूँ, मैं महिला होकर जब नहीं डरी तो क्या डरूंगी, मैं लगातार उनका प्रचार भी करूंगी और उनको जिताने के लिए हर एक संभव प्रयास करूंगी। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।